नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत कर प्रथम हेडलाइंस ओडिशारे पुणी 6000 उपरको डेइछि कोरोना संक्रमण राज्य में मोट 6500 अनेश्वत आक्रांत चिन्हट खोर्धार सर्वाधिक 958 नुआपड़े 551 कलाहांडी 518 पुणी 9 मुंड नेला महामारी राजधानी में बीएमसी स्पेशल ड्राइव घर घर बुली लोकों तथ्य संग्रह सहित स्वास्थ्यगत समस्या बुझिछन्ती टीम फोकस रे बस्ती अंचल भुवनेश्वर रे 67 वार्ड रे चली द्वितीय पर्याय अभियान आजठ स्वर्गद्वार उपर लगला कटका पुरी छड़ा अन्य जिलार लोकों शवदाह मना समुद्रकूल में अस्थि विसर्जन नहीं गाइडलाइन परवर्त निर्देश न आसवा पर्यंत बलवत्तर रियम करोनार द्वितीय लहर भारत को ऑक्सीजन और टीका कंचामाल जगैब अमेरिका फ्रांस ट्वीट कर सूचना दे अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन मलकानगिरि छत्तीसगढ़ सीमांत सुकमा जिले में माओहिंसा ऑपरेशन प्रहार को विरोध कर आठट मालवाही ट्रक जाली देले लालवाहिनी घटनास्थल को जाता किसी युवकों धनु तीर देखा गोड़ाई अभियोग भोट देउछि पश्चिमबंग सप्तम पर्याय निर्वाचन जारी 34 आसन में 268 प्रार्थी भाग्य निर्णय करुछन्ति वोटर रायगढ़ ब्रह्मपुर मुकुंदपुर घाटी में दुर्घटना विलंबित राति में बस ओलटि सात गुरुतर जयपुर यात्री को नहीं अनुगुल जाता घर बस गुरुतर को उद्धार कर जिला मुख्य चिकित्सा भर्ती कला पुलिस शेष ततला कड़े में भाजी होड़शा तीन जिला हिटवेव सतर्कता नयगढ़ कटक खोर्धा जिला वार्निंग भुवनेश्वर 42 डिग्री टपिला तापमात्रा ओडिशारे पुणी 6000 उपरको डेइछि कोरोना संक्रमण आज राज्य में मोट 6500 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछन्ति आक्रांत मध्यरु खोर्धारे सर्वाधिक 958 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति एने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना मिलिछि खोर्धा व्यतीत नुआपड़े 551 कलाहांडी 518 कटकरु 488 आक्रांत चिन्हट होइछन्ति झारसुगुड़ा 436 सुंदरगढ़ 434 गंजाम 323 जाजपुर 237 संबलपुर 226 नवरंगपुर 221 बरगढ़ 203 स्टेटपुल 201 आक्रांत चिन्हट होती आई न मुंड नहीं महामारी तबे संपर्कित अधिक सूचना पाई आम सहित आम प्रतिनिधि प्रदीप्त महापात्र जोड़ी होती प्रदीप्त वर्तमान जो अंक सामना को आसुची बा कोरोना रे संक्रमितों संख्या हु हो बढ़ी चलुची कौन रही कि अधिक सूचना निश्चित भाव चिन्मय आप जो कथा कहले लगातार भाव गत 22 तारीख रु प्रतिदिन 6000 ऊर्ध पजिट चिन्हट होती आज जहां आप आज 6500 पजिट चिन्हट होती राज्य सहित विशेष भाव में जी कह खोर्धा जिलूर ही सर्वाधिक पजिट लगातार भाव चिन्हट होती आज खोर्धा जिलूर सर्वाधिक 958 चिन्हट होती सक्रिय संख्या जदि कह सक्रिय रोगी संख्या सक्रिय आक्रांत संख्या खोर्धा जिले में ही सर्वाधिक रही है कारण विशेष भाव नजर पक खोर्धा जिला कथा कहुची जो भुवनेश्वर राज्य राजधानी में ही सर्वाधिक पॉजिटिव चिन्हट होती संपूर्ण जिला भितर एवं खोर्धा जिले में ही 8383 पॉजिटिव चिन्हट होती वर्तमान सुधा क्षमा करेंगे जो सक्रिय अच्छा एजे भी एवं तो मृत्यु संख्या आज किसी वृद्धि पाई आम गत किसी दिन भर देखुले 7 जन रु 8 जन प्रतिदिन मृत्यु संख्या सामना को आसाला किंतु आज 9 जन मुंड नहीं कोरोना एवं खोर्धारु ही 3 जन सर्वाधिक खोर्धारु ही 3 जन मृत्यु होती केन्दुझर जिलूर 2 जन एवं भद्रक कटक गंजाम और सुंदरगढ़ जड़े लेखाए मृत्यु संख्या जड़े लेखाए आक्रांत मृत्यु हो गत 25 दिन संख्या जदि आम देखा गत 25 दिन भितर 73,040 जन संक्रमित बर्तमान सुधा चिन्हट हेले गत जो 24 घंटार तथ्य जब देखा आम जो टेस्टिंग संख्या अल्प कमी 39,642 टेस्टिंग किंतु पॉजिटिव संख्या रे जो ह्रास घटी पॉजिटिव संख्या से 6000 ऊर्ध रही गत काली पॉजिटिव संख्या किछटा कम थिला किंतु ताहा आज पुणी थे वृद्धि पाई 6500 पहुंची जो 4 लक्ष रु ऊर्ध वर्तमान सुधा जब कोरोना संक्रमण आम राज्य में आरंभ होला जो पॉजिटिव बा आक्रांत संख्या 4 लक्ष रु ऊर्ध 4 लक्ष पार कर सारी विशेष भाव में जो पश्चिम ओडिशा जिला गुड़िक कथा कहुता एवं भी पश्चिम ओडिशा रो छत्तीसगढ़ सीमांतवर्ती जिला गुड़िक रही से गुड़िक स्थिति एवं भी चिंताजनक रही
କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 433 ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେପଟେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 226 ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂଆପଡ଼ାରୁ 551। ଏମିତି ଆମେ ଯଦି ନଜର ପକାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସଂକ୍ରମଣର ସ୍ଥିତି ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ, ତାହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କୋଟି ନା କୋଟି ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ମାନେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ ଜୁନରେ ବା ମେ ଜୁନ ବେଳକୁ ପିକ୍ରେ ରହିବ କରୋନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଦିନକୁ ଦିନ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ, ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ବୁଝିଛନ୍ତି ଟିମ୍, ଏହାସହ ତାହାର ଆଶୁ ସମାଧାନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ 67 ୱାର୍ଡରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହି ଅଭିଯାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋଟ 377 ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଥିବାବେଳେ 436 ବସ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ 450 କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ରହି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଜଣେ ଆଶାକର୍ମୀ ଓ ଜଣେ ବହୁମୁଖୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 436 ବସ୍ତିରେ 281,750 ପରିବାରର ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଜାରି ରହିଛି। ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ବୃତ୍ତି, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଆଦି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ। ଚିନ୍ମୟୀ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜଧାନୀରେ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି, ଏନେ ବିଏମ୍ସି ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଘର ଘର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି ବିଏମ୍ସି, କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରୋସେସ୍? ନିହାତି ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, ଯଦି କହିବା ଯୋଉ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି, ତାକୁ ଦେଖି ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ଗୋଟେ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୋଟ 377 ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲାବେଳେ 436 ବସ୍ତି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବିଏମ୍ସି କମିଶନରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏଥିରେ 436 ବସ୍ତିର ପାଖାପାଖି 281,785 ପରିବାରରୁ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ। ଯୋଉ ଏଇ ତଥ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଏଇ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ 450 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଏଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିମ୍ରେ ଜଣେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀ, ଜଣେ ଆଶା କର୍ମୀ ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମୀ ସାମିଲ ରହିବେ। ଏମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଡାଟା ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ କି ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯୋଉମାନେ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସଦସ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ କି ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ କି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସେସବୁ ଗୁଡିକୁ କଲେକ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ସେସବୁ ଗୁଡିକୁ ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ଅପଡେଟ୍ ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବା କିଏ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କର ଟ୍ରାଭେଲ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ମାନଙ୍କର ଯାହା ଡିଟେଲ୍ସ ରହିଛି ସେଗୁଡିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କମିଶନର ପ୍ରେମଚାନ୍ଦଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବିଏମ୍ସି ଡେପୁଟି କମିଶନର ତଥା COVID-19 ନୋଡାଲ ଅଫିସର ଶୁଭେନ୍ଦୁ ସାହୁ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏହା ଏହାଦ୍ୱାରା ବୋଧହୁଏ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିପାରିବ ଏବଂ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଯୋଉମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ଭଲ ଭାବରେ ବିଏମ୍ସିକୁ ମିଳିପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ, କିନ୍ତୁ ୟାର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ଏଭଳି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ ନା ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେବ? ପ୍ରଥମ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଥା କହିବା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 600ରୁ ଅଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସ୍ତି ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ମାନଙ୍କୁ ନିଆଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 600ରୁ ଅଧିକ ବସ୍ତି ରହିଛି, ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 436 ବସ୍ତିକୁ ନିଆଯାଇଛି। ସେଇ 436 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସ ରଖାଯାଉଛି, ଏହାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ବସ୍ତି ଗୁଡିକ ସହିତ ରାଜଧାନୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡିଟେଲ୍ସ ନିଆଯିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଚିନ୍ମୟୀ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରତିନିଧି ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେ ନେଇକି ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ।
भारत में कोरोनार द्वितीय लहर संक्रमण चली द्रुत गति में आक्रांत संख्या बढ़ी चली स्थित जटिल लगी देश में अम्लजान संकट बड़ समस्या पलटि तेज विश्वर अनेक देश भारत को सहयोग हाथ बढ़ाई भारत में कोरोना संकट नहीं आमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन कहते जितेबाला आमेरिका महामारी संकट आरंभ होता भारत आमको सहायता कर भारत यही आवश्यक समय आम सा स्थिर करछु तबे फ्रांस भारत को ऑक्सीजन जोगाइबारे सहायता कर गत दुई मास धरी अमेरिका भारतीय कंपनी सेरम इंस्टीट्यूटर कोरोना टीका कोविशील्ड तैयारी में व्यवहृत कंचामाल जोगाण बंद रखी तबे वर्तमान अमेरिका तुरंत कंचामाल जोगाइबा को प्रस्तुत अछि तेणु कोविशील्ड टीका उत्पादन शीघ्र बढ़िब आज पुरी स्वर्गद्वार में बाहर लोकों शवदाह मना जिले में दिनक दिन कोरोना आक्रांत को संख्या बढ़ुवर पुरी जिला प्रशासन तरफ एपरी निष्पत्ति नियम मुताबक आज पुरी जिला बाहर कौन लोक स्वर्गद्वार में शवदाह करें पुरी जिलार लोकों कोविड व्यतीत अगर कारण मृत्यु हेले स्वर्गद्वार आत्मीय शवदाह करें कोविड में प्राण हरा व्यक्ति स्वर्गद्वार अस्थि विसर्जन करें से पुरी में श्राद्ध अस्थि विसर्जन कार्य को बारण हो जिला और राज्य बाहर कौन व्यक्ति एवं महदधि और श्वेत गंगे श्राद्ध करें कि अस्थि विसर्जन करें तेज संपर्कित अधिक सूचना आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आलोक आज कटका लगुच पुरी स्वर्गद्वार में बाहर लोक शवदाह मना करो दिग्वे कटका लगी चिन्मय आप जानते पुरी स्वर्गद्वार हूँ हिंदू धर्म आस्था और प्रतीक विश्वास विश्वास रही स्वर्गद्वार अंत्येष्टिक्रिया कले शव सत्कार कले सीधा सड़क आत्मा को मुख्य प्राप्त होता है किंतु आप जानते कोरोना द्वितीय लहर जो भाव सांघातिक पड़ी से ही परिप्रेक्षी जिला प्रशासन गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं आज ठारू जिला बाहर लोकंर शवधा पर सीधा सड़क कटका लगी पूर्व चिन्मय आप जानते 2020 जुलाई मस में जिते कोरोना प्रथम लहर चली सेतेबेले मध्य स्वर्गद्वार को सीधा सड़क कटका लागू कराइला किंतु आज जहां जिला प्रशासन गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं केवल जिला भितर पुरी जिला भितर जेको से मृतक मैंने जीवे से संपर्क सहित स्वर्गद्वार में मृतक मान अंत्येष्टिक्रिया पार कि से मृतक कोविड नेगेटिव रिपोर्ट देखा बाध्यतामूलक कर तो निश्चित भाव में कहीपर जो भाई भाव में कोरोना दिनक दिन काय विस्तार करहत भाव में स्वर्गद्वार उपर कटक लागू करने को स्वर्गद्वार कर्मचारी मैंने करते कहीं आप जानते प्रतिदिन स्वर्गद्वार 50 रु 60 मृतक शवदाह जाए से परिप्रेक्षी में कौन जिते कटका ना समस्ते आशंका थे काले बहुत दुए स्वर्गद्वार कर्मचारी मानू कोरोना संक्रमित हो पारे से ही परिप्रेक्षी आज गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति जिला प्रशासन नहीं आज ठार सीधा सड़क स्वर्गद्वार में जिला बाहर लोकों पर कटका लागू करवर्त परिस्थित को लक्ष्य रखी जदि कटका कोहल कराए जदि सिचुएसन क्लीयर हुए कि सिचुएसन सुधार आसे तो निश्चित भाव में निश्चित भाव में आलोक बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना शुणुते आम पुरी प्रतिनिधि आलोक आशुतोष आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होते आज पुरी में कटका लगी बाहर जिलूर जदि कहीं शवदाह जाती स्वर्गद्वार को रोक लग जाने अधिक सूचना दे मालकानगिरी छत्तीसगढ़ सीमांत सुकमा जिले में माओहिंसा ऑपरेशन प्रहार को विरोध कर 8टी मालवाही ट्रक चलीदे माओवादी 30 नंबर जातीय राजपथ एराबोठारे लालवाहिनी एही हिंसाकांड घटाई तेज घटनास्थल को जाइथिबा किछि युवकंकु धनु तीर देखाई माओवादी गोड़ाइथिले आज माओ संगठन पक्षरु भारत बंद डाकरा दिया जाइछि एहा पूर्वरु मध्य माओवादी माने ऑपरेशन प्रहार को विरोध कर हिंसाकांड घटाई सारिछन्ते गत 23 तारीख दिन छत्तीसगढ़ सीमांत दंतेवाड़ा जिले में एक पैसेंजर ट्रेन को अटकाई माओवादी ट्रेन में गोटे इंजिन और बगी को शताधिक माओवादी खोली पैसेंजर मान को माओ पोस्टर देवास ट्रेन में मध्य माओ पोस्टर लगे आज पश्चिमबंगे सप्तम पर्याय मतदान जारी रही प्राय 5टी जिलार 34टी आसन पर चली भोटिंग पश्चिमबंगर मालदा कोलकाता दक्षिण
मुजदाबाद पश्चिम बर्धमान दक्षिण दिजानपुर जिले में सप्तम पर्याय वोटिंग होउछि। कड़ा सुरक्षा मध्य वोटिंग करा जाउछि। एही पर्याय रे 229 जन प्रार्थी मैदान रे रहितबा बेले सेमानको भाग्य परीक्षा करुछन्ति वोटर। सेहिपरि सप्तम पर्याय रे अनेक हेवीवेट प्रार्थी भाग्य निर्धारण चलिछि। सप्तम पांचटी जिलार 86,87,221 जन वोटर निजर मत सब्यस्त करेंगे। अपरपक्षे बंग दखल पाई बीजेपी और टीएमसी मध्य कड़ा टक्कर होउछे। तबे आज पश्चिमबंगे सप्तम पर्याय मतदान होता बेले आसंता 29 तारीख में हेब अष्टम पर्याय तथा शेष वोटिंग। मे 2 रे आसिब फलाफल। रायगढ़ जिला मुकुंदपुर घाटी में मर्मन्तुद सड़क दुर्घटना। घाटी को उठुवा बेले एक यात्रीवाही बस ओलटी पड़ सात जन गुरुतर होती। समस्त आहत को रायगढ़ जिला हॉस्पिटल में भर्ती कर ओम साई नामक बस टी जयपुर यात्री को नहीं अनुगुल अभिमुखे आसुवा समय दुर्घटनाग्रस्त होता। तेज घाटी में उठिता बेले भारसाम हर बस टी ओलटी पड़ा फल बस प्राय सात जन यात्री आहत होती। अनुगुल रे ऑक्सीजन न देबारु गला आक्रांत को जीवन। बुढ़ा बापा आणिले अवहेलार चरम अभियोग। एबे दोष लदालदी भितर चली गला गोटे जीवन। सेपटे राज्य में ऑक्सीजन अभाव को नहीं बीजेपी उपरे बरसिले लेखाश्री। कहले उत्पादन को गुरुत्व देखाउ नाहंती मुख्यमंत्री। कोरोना काल रे स्वास्थ्य मंत्री नव दास कर देखा नाही। अन्य राज्य को जाउछ ऑक्सीजन वाहवा नेबारे व्यस्त राज्य, किंतु एठी ऑक्सीजन अभाव रु जाउछ रोगी को जीवन। अभियोग आसी अनुगुल बरफाड़ आंबुलांस आक्रांत को मिललानी अक्सीजेन। मना कला ड्राइवर बुढ़ा बाप आगे पुओ हार जीवन। एवं दोष खसाइबारे व्यस्त अधिकारी। प्रथम शुणु निज पु तपन साहू को हर बापा नरेश साहू कौन कहते गाड़ी में देख ली अक्सीजेन थी सी तो अक्सीजेन देपर मुझे बाटर गला कहली अक्सीजेनटा तो अच्छी अक्सीजेनटा लगा सी कह तो जानी आटेडाट कहीं आसी ना मुझे विषय किसीपर मेडिका पहुँचला रोगी की मेडिका को नापी मुझे जिते प्रकार रिक्वेस्ट कल कहीं आज्ञा शुणिले लास्ट बेलू को दीटा लोक सेट है पखापाखि अधा घंटा 45 मिनट आज्ञा रोगी पड़ला गाड़ी भितर तापर से पैसा 2000 टाँग दिहला सीए उठेना मेडिकल भितर धना गले। ड्राइवर लगैलानी अक्सीजेन पाखे नथिले टेक्नीशियन। अभियोग आसीबा परे दोष खसाइबा को प्रयास करुछि प्रशासन। जिल्लापाल सीडीएमओ कहुछंती ड्राइवर लगैथिला अक्सीजेन। सेबडे नरेश को बापा को संगीन अभियोग। प्रथमे मिललानी अक्सीजेन एहा परे मेडिकल ले डाक्टर को देखाइबा को काकुति विनती हेले 2000 टंका देबा परे पु को डाक्टर खेलानिया गला। ता पूर्वरु गाड़ी भितरे 30 मिनिट सेमिति कष्टरे छटपट होतला। ना ना दैट इज नॉट करेक्ट। सेटा सीडीएम ऑलरेडी इंक्वायर करछन से आपन को गोटे ब्रीफ भी दे दे। ठीक है दैट इज नॉट करेक्ट। से पेशेंट आगरु भी आसी की प्राइवेट हॉस्पिटल रे सीटी स्कैन करी के से जे तक की कोमोरोड नतलो से होम आइसोलेशन रे थिला आसे जेबे रिस्पोंड करछी एम्बुलेंस रे पहुंची तब धरि की आछी आ ताको 80 प्लस ऑक्सीजन रे भी रिसीव कराई छी। ना ना ड्राइवर को दिया है थी, ताको सिखा है थी, तो ऑक्सीजन लगेबे सन बर्तेला लगौछन्थि लगेबने काई ऑक्सीजन तो दिया है केवल एम्बुलेंस रे ऑक्सीजन रोगी को दवा पई दिया है थी एवं ताको को मध्य कुआई थी एवं कलेक्टर मध्य कहिछन्थि जदी से ऑक्सीजन लगेबो 50 टका पाइबो। देखंथु से तो ड्राइवर कहउछ आगे मु लगेथिली बेली अच्छा मु बर्तमान इन्क्वायरी कली बुझिले से ड्राइवर कहउछ आगे मु लगेथिली अच्छा तापरे सुनंतु रोगी तो मरिनी रोगी आके आम पाखरे पहुंचिला आम पाखरे पहुंचिला जते बेले 80% ऑक्सीजन थिला हमें सांगे सांगे ऑक्सीजन लगेलु एवं ऑक्सीजन लगेलु जे तापरे तार जेहेतु आगुर हाइपोक्सिया हेछि तार घरे बुझिले से एतरो तार डेथ हला। राज्य रे ऑक्सीजन अभाव कुने बीजेडी उपरे बरसि छंती लेखाश्री। ओडिसा रे रहिछि अम्ल जनर अभाव किंतु गुरुत्व देउन हाते मुख्यमंत्री। कोरोना काल में स्वास्थ्य मंत्री नव दास को देखा नहीं। राज्य सरकार अम्लजान प्रोडक्शन नहीं पदक्षेप 6 मास तलु पीएम केयर्स 201 कोटी टंका आसी सारा देश में 162 प्लांट आसी टंका से भाग प्लांट रु गोटे भी आरंभ होनी।
7 ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମାଲକାନଗିରି, ଯାଜପୁର ପରି ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସବୁକିଛି ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ହିଁ ରହିଥାନ୍ତା। ଏପଟେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ କାମରେ ବି ଲଗାଉଛନ୍ତି ସରକାର। କେବଳ ବରପାଳ ନୁହେଁ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ବି ଅମ୍ଳଜାନ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମିଛ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଉଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅମ୍ଳଜାନର ଗୋଟେ ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି ଏଇ କରୋନା ସମୟରେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଅମ୍ଳଜାନର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ 6 ମାସ ତଳୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି PM କେୟାର୍ସ ଫଣ୍ଡରୁ 201 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇକରି ଦେଶବ୍ୟାପୀ 162ଟି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ମେଡିକାଲ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ହସ୍ପିଟାଲର ପରିସର ଭିତରେ ରହିବ ୟା ପାଇଁକି ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବସି ସାରିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ବି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିପାରିଲା ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାରେ 7ଟି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ଯାଜପୁର ଏଭଳି କିଛି ଜାଗାରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲାଗିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଫଳ ହେଲା, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଆମେ ପଚାରୁଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ଆଦୌ ଏଠି ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। କରୋନାର ଏ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ବି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ନବ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ବରପାଳ ତ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା, ରାଜ୍ୟସାରା ଏଭଳି ଅନେକ ତପନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ଥାଇ ବି କେବଳ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିଜେଡି ସରକାର। ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।